ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर हरियाणा की सियासत की नई तस्वीर है। इस तस्वीर में आपको मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह नजर आ रहे हैं। दोनों ही नेता अलग अलग दिशा में मुंह करके मुस्कुरा रहे हैं। इन मुस्कुराहटों के खास मायने हैं। ये मुस्कुराहटें बता रही हैं कि दोनों ही नेताओं के अंदर एक खिचड़ी पक रही है। अंदर ही अंदर मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं, वीरेंद्र सिंह जी, मैंने आपको निपटा दिया है। आप हमेशा मेरे खिलाफ बोलते रहे हैं, आप मुझे चैलेंज करते रहे हैं, लेकिन देखिए आज आप कहां पर खड़े हैं। वीरेंद्र सिंह भी दूसरी तरफ मुंह करके मुस्कुरा रहे हैं और यह कह रहे हैं कि खट्टर साहब, आज आपका राजयोग है, आज आप ड्राइविंग सीट पर हैं, लेकिन मेरा वक्त भी जरूर आएगा और मैं हिसाब जरूर बराबर करूंगा। ये सभी जानते हैं कि पिछले 8 साल के दौरान मनोहर लाल खट्टर और वीरेंद्र सिंह के बीच में 36 का आंकड़ा रहा है। दोनों ही नेताओं के बीच कभी नहीं बनी। वीरेंद्र सिंह इस उम्मीद के साथ बीजेपी में आए थे कि उन्हें बीजेपी में आने के बाद चौधर मिलेगी, रसूख मिलेगा और हरियाणा सरकार में उनका दबदबा रहेगा, उनकी बातें मानी जाएंगी। लेकिन खट्टर साहब जानते थे कि वीरेंद्र सिंह को ज़्यादा भाव देना उनके लिए नुकसानदायक रहेगा, इसलिए ना तो बीजेपी ने वीरेंद्र सिंह को ज़्यादा ऊपर किया और ना ही खट्टर साहब ने उन्हें ज़्यादा भाव दिया। सत्ता में अनदेखी होने के चलते वीरेंद्र सिंह का मन उखड़ गया। वीरेंद्र सिंह लगातार अपनी ही सरकार यानी बीजेपी की सरकार के खिलाफ सवालिया निशान उठाते रहे हैं। पिछले 6 महीने से तो वीरेंद्र सिंह एक तरह से बीजेपी से विमुख हो गए हैं। वे अपने साथियों के साथ पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, अपने साथियों को लामबंद कर रहे हैं और अगले साल मार्च में एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि वीरेंद्र सिंह बीजेपी से मोह भंग हो चुका है और वह बीजेपी छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं। वीरेंद्र सिंह और उनके बेटे बृजेंद्र सिंह की भूमिका, उनकी कार्यप्रणाली और उनके कार्यकर्ता सम्मेलन भी यह इशारा कर रहे हैं कि वीरेंद्र सिंह कुछ अलग ही खिचड़ी पका रहे हैं। वीरेंद्र सिंह को एहसास हो चुका है कि बीजेपी में उनके लिए ज़्यादा कुछ नहीं बचा है। गठबंधन की पॉलिटिक्स में उचाणा में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का कार्यक्षेत्र होने के चलते वीरेंद्र सिंह का परिवार वहाँ भी हाशिए पर चला गया है। वीरेंद्र सिंह यह कभी सह नहीं कर सकते कि उचाणा में ही उनकी बात न मानी जाए, उचाणा में उनकी अफसरशाही न हो, उचाणा में अपनी ही सरकार होने के बावजूद उनको कोई ना पूछे। यही कारण है कि वीरेंद्र सिंह लगातार बीजेपी को लेकर, लगातार खट्टर साहब की सरकार को लेकर, लगातार खट्टर साहब को लेकर नेगेटिव ही रहते हैं। ऐसे में ये दोनों नेताओं की मुलाकात के बड़े मायने हैं। ये मायने इस हिसाब से हैं कि दोनों ही नेता एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, दोनों ही नेता एक दूसरे से खार खाते हैं और दोनों ही नेताओं की पटरी नहीं बढ़ती है। ऐसे में दोनों ही नेता फॉर्मेलिटी के लिए जरूर मिले हैं, डेकोरम के लिए जरूर मिले हैं, लेकिन इस मुलाकात के कोई पॉजिटिव नतीजे नहीं निकलेंगे। यानी ना तो खट्टर साहब वीरेंद्र सिंह की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे और न ही वीरेंद्र सिंह खट्टर साहब के साथ दोस्ती करेंगे। यानी रिश्तों का ये जो बंटवारा है, जो दिलों की जो दूरी है, ये बरकरार रहेगी और खट्टर साहब को इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि वीरेंद्र सिंह कभी भी बीजेपी और उनकी सरकार को झटका देने का ऐलान जरूर करेंगे। ये एक दस्तावेजी फोटो दोनों ही नेताओं को संभाल कर रखनी चाहिए कि मुस्कुराते हुए चेहरे अलग होते हैं लेकिन उनके दिलों के अंदर पक रही खिचड़ी अलग होती है। अब देखने की बात यही है कि इन दोनों ही नेताओं का ये नया रिश्ता क्या कहलाता है और भविष्य में इस फोटो की क्या उपलब्धि होगी और इस फोटो का क्या अंजाम होगा। खरी खरी न्यूज़ पर स्पेशल खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए। नमस्कार।